जो रेस्टोरेंट जो कि देख रहे हो मेरे मगर चलता फिर जो ट्रक को मोडीफाई करके जो इस वीर ने लखा रुपया ला के जो रेस्टोरेंट जो तैयार किया वा। तो पहला रेस्टोरेंट का प्लैन सेगा बट फिर मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट करिए तो फिर असी फूड ट्रक के कॉन्सैप्ट आए थे। ट्रक जो तैयार कराया मोडीफाइड जो ट्रक कराया वा कितों तैयार कराया वा तो कितने के पैसे लग चुके होंगे? उसके बाद 6 महीने मैं ताज च गोवा च ही इंटर्नशिप की है। फिर मैं 3 साल मैकडोनल्ड्स से एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर एंड देन बर्गर किंग में एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर मैंने काम किया। कहना चाहोगे कि साढ़े नौजवान पीढ़ी है काफ़ी जी दौड़ मची पई है आईलैट्स करते हैं तो बाहरों दौड़ जाते हैं भी विदेशों जाना उत्थे जाके भावें दिहाड़ी करते हो कहना चाहोगे उन्होंने लोगों को? तो कस्टमर नूं खाना देने तो पहला असी सारे नूं एक सैनिटाइजर का पाउच जिहड़ा छोटा आंदा है वो सर्व करांगे ताकि अपने वालों असी सेफ्टी पूरी रखिए। मैं अज इत्थे चौथी बारी आया पिछले 15 दिन तो बहुत वधिया है जी। है बड़ा डिफरेंट कंसैप्ट है तो बड़ा नवा कंसैप्ट है इत्थे एक बार तो बंदे नूं जरूर आना चाहिए। टेस्ट की गल हैगी है जे लोगों को टेस्ट किसी चीज़ का पसंद आ जाए तो वो उत्थे जाके ही खाते हैं भावें होटल होए भावें छोटे छोटा ढाबा होए कुछ भी होए। अक्सर कहा जाता कि पंजाबी जिहड़े ने जुगाड़ी होंदे ने कोई ना कोई जिहड़ा जुगाड़ बना के काम काज चला ही लैंदे ने। अज तुहानू अमृतसर रहण वाले एक नौजवान वालों जिहड़ा कि ट्रक नूं मोडीफाई करके जिहड़ा एक रेस्टोरेंट बनाया जिहड़ा कि कह सकदे वी चलदा फिर तक रेस्टोरेंट आ तुहानू तस्वीरां विखावांगे सब तों पहले उस रेस्टोरेंट दीआं लगातार तस्वीरां दिखा रहे हो तुहानू इह जिहड़ा रेस्टोरेंट जिहड़ा तैयार कीता तस्वीर ने चलदा फिर जिहड़ा वा ट्रक जिहड़ा मोडीफाई करके जिहड़ा रेस्टोरेंट तैयार कीता गया वा। तुसीं देख रहे हो इस रेस्टोरेंट दी जिहड़ी खूबी आ लोग जिहड़े ने काफ़ी जिहड़ा इह खिच्चदा केंद्र बणिआ होइआ रेस्टोरेंट आ लोग इत्थे आ के जिहड़ियां सैल्फियां लवाउंदे ने फोटोआं लवाउंदे ने अते खास करके जिहड़ा प्रबंध आ इहदा उपर जो बैठन का जो प्रबंध खास करके इस विच हैगा वा अते पुतारी वहा जिहड़ी आ उह जिहड़ी लोकां नूं मिलदी आ अते लोकां दा इह वी कहिणा भी असीं जिहड़े महंगे महंगे जाके रेस्टोरेंट जिहड़ा सानूं अजिही ताज़ी हवा नहीं मिलती क्योंकि एसियां थले बह बह के जिहड़े लोग बीमार हो जांदे ने इस के लोग जिहड़े ताज़ी हवा मंगदे ने अते उह जिहड़ियां सारियां खूबियां तुहानूं इह जिहड़ा एक रेस्टोरेंट जिहड़ा कि तुसीं देख रहे हो मेरे मगर चलदा फिरदा जिहड़ा ट्रक नूं मोडीफाई करके जिहड़ा इस वीर ने लखां रुपया ला के जिहड़ा इस रेस्टोरेंट जिहड़ा तैयार कीता वा। तो आओ गलबात करते हैं इस वीर नाल पुछदे हैं इस रेस्टोरेंट विच की खूबी हैगी आ तो आओ चलते हैं। कल ने भी साढ़े नाल है सब तो पहले तस्वीर खावे क्योंकि असी अपने मैं कैमरामैन कहूँगा तस्वीर खोल क्योंकि जो नज़ारा वा बिल्कुल अमृतसर के शहर का वा एम के होटल जो लागे आई देख रहे हो तस्वीर ताज़ी हवा जी चार चफेरे जड़े है जोड़े लोग ताज़ी हवा मंगते हैं और जो सारिया खूबियां तुम्हें इस जो चलते फिरते ट्रक के रेस्टोरेंट मिल गई तो आओ गलबात करते भी ना बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा जी सब तो पहले पंजाबी लोग चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटी की नाम की तुम्हारा जी? मेरा नाम मधुर है सर, मधुर सोनी। मधुर जी किस तरह जहन चाया क्योंकि असं देखिए भी ट्रक जो मोडीफाई करके लखा रुपये लगा दिए गए हैं किस तरह जहन चाह भी जो चलता फिर रेस्टोरेंट खुले जाए? सर मैं पहला भी वेखे हुए है एक दो मूवीज़ से भी आइडिया आया सी मेरे दिमाग से तो मैं सोचा सी कि बनाना है। कॉलेज का प्लान है कि फूड ट्रक या अपना रेस्टोरेंट बनाना है तो पहला रेस्टोरेंट का प्लान सेगा बट फिर मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट करिए तो फिर असी फूड ट्रक के कॉन्सैप्ट आए थे। ठीक है असी रेस्टोरेंट काफ़ी देखे अं भी क्यों बसा लोग तैयार करते हैं या ट्राली ट्रैक्टर तैयार करते हैं पर अब जो देख रहे रेस्टोरेंट ये जो ट्रैक्टर के रूप कैसे जो ट्रक जो तैयार किया गया खास कर उपर जो बैठने वास्ते जो कस्टमर वास्ते रखा गया यह जो नवा कंसैप्ट किस तरह जहन आया जी? सर एक्चुअली मैं जुलाई से इतने अपनी जॉब रिजाइन करके आया से मैं बैंगलोर से ऐसे इंडस्ट्री रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से तो जो मैं आया से तो फूड ट्रक इतने है अमृतसर से बट 2-3 है सी ते दिसंबर तक इतने 5-6 होर फूड ट्रक खुल गए तो मैं सोचा कि हूँ कुछ वखरा कॉन्सैप्ट लैके आईए फूड ट्रक तो बहुत है कोई होर कॉन्सैप्ट लैके आईए तो फिर असी सोचा कि रूफ टॉप सीटिंग भी रखते हैं मेरे फादर ने आइडिया सजेस्ट किया फिर असी इनू लागू किया। अरे कह सकते भी फूड ट्रक जो नाम रखा गया वा फूड ट्रक भी कहा जाता वा इस बनाया की जाता वा की जो खास करके अमृतसर वाले लोगों वास्ते की लैके आए जी?
सर ए स्मूदीज़ आइस टी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह है, वो अलावा फास्ट फूड से बर्गरस है, सैंडविचेज है, सैंडविच साढ़े वक्रे तरह के, बर्गर साढ़े कलर्ड बंस से बनते हैं, ब्लू कलर के, रेड कलर के, नॉर्मल बंस नहीं है ना। ग्रिल्स ग्रिल्स से भी अपने को मलाई टिक्का, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन, वेज से भी आइटम है सारिया, मशरूम भी है, बहुत वरायटी हैगी है। जो कस्टमर आएंगे तो उन्होंने होर पता चलेगा कि असी रखे हुए भी जिते इतने जो कस्टमर आते हैं किन्ना लोग पसंद करते हैं उपर बैठ के खाना खाते हैं, उपर बैठ के जो रेस्टोरेंट बनाया हुआ किन्ने लोग पसंद करते हैं चीज़ को? सर बहुत वधिया रिस्पोंस मिले, असं पहला 15 दिन लोहारका रोड से आए थे इंपीरियल सिटी के बाहर, उत्थे भी बहुत वधिया रिस्पोंस है, हम रंजीत एवेन्यू आके भी बहुत वधिया रिस्पोंस है, जो कस्टमर आते हैं वो तो कहते हैं कि बहुत वधिया चीज़ बनी है, बट जो कस्टमर सिर्फ वेखन आते हैं खान ना भी फिर भी आके कह के जाते हैं कि बहुत वधिया कॉन्सैप्ट है, अं जरूर आवेंगे तो वधिया लगता पे। हूँ वेखो सर थोड़े टाइम से किन्नी कु सेल वधेगी की होएगा इसे ट्रक बनाया फूड ट्रक, इस खूबियाँ की है कि अंदर जो तैयार किया समान रखा गया सर? ए दो फ्रायर है वैज तो नॉन वैज, असी सारा कुछ सैपरेट रखी दा, भावें ग्रिल होए भावें फ्रायर होए ऑयल होए सारा कुछ वैज तो नॉन वैज, सारा कुछ वैज तो नॉन वैज असी सैपरेट रखे हुआ है, तो फ्रायर लगे हुए दो, ग्रिल लगी हुई है, वो अलावा चार गैस रेंज है, तो फ्रिज लगी है, कैंडी लगी है, एक बेन मैरी होंगी जिस ग्रेवीज हॉट रही है वो हैगी है, यह सारा कुछ अंदर लगे हुआ है। ये अलावा अपने जेडे नॉर्मल एग्जॉस्ट वगैरह होंगे वो भी लगे हुए हैं। मैं इसमें खास करके जो जो तैयार ट्रक जो तैयार कराया मॉडिफाइड जो ट्रक कराया वा कितों तैयार कराया वा, तो किन्ने पैसे लग चुके हो तक? सर मीरठ तो तैयार कराया सीगा, इनिशियली असी सोचा सी कि इनिशियली असी सोचा सी कि जिन्ने पैसे सोचे से उस तो काफ़ी ज़्यादा लग गए ने, डबल डिजिट चल गया, 15-16 लाख रुपए टोटल लग गया सारा समान मिला के। ठीक है, दसो भी जो अभी देखे ट्रक के जो डिजाइन लगाया वा हरे कलर का, जो जो पाया वा कितों सारा डिजाइन तैयार किया गया? सर डिज़ाइन मैं आप ही वेखिया इंटरनेट से लब लब के, फिर कॉपीराइट लैके डिज़ाइन का, तो असी डिज़ाइन तैयार करवाया है, विनाइल वगैरह सारा मीरठ तो ही बनया, जो स्टिकर लगे हुए हैं सारा मीरठ तो ही तैयार हो गया है, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट सारा कुछ पूरा उन्होंने तैयार करके सानू दिता। ठीक है, मैंने इसमें भी पढ़ाई कितों तक की है, तुम कोई कोर्स वगैरह भी किया? सर मैं अमृतसर का ही पढ़िया हुआ, अमृतसर डीएवी पब्लिक स्कूल से सिखा, उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट की IHM गोवा तो, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट तो, उसके बाद 6 महीने मैं ताज च गोवा से ही इंटर्नशिप की है, फिर मैं 3 साल मैकडोनल्ड्स से सिखा एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर, एंड दैन बर्गर किंग में एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर मैंने काम किया लास्ट। रेस्टोरेंट जो त्याग किया वा, तुम होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया वा, क्योंकि काफ़ी असं देखते हैं लोग जोड़े ने होटल मैनेज कोर्स करके ज़्यादातर विदेश में रुख करते हैं। ठीक है ना, तुम जो 16 लाख रुपया लगाता जो ट्रक उत्ते कभी करते नहीं क्या भी भाई तुम्हें बाहर जाना वा, तुम 16 लाख रुपया ट्रक से लाता वा? सर बाहर जाने का मेरा अपना भी नहीं चाहिए है, मेरे मोम डैड तो मैं ही है घर से, तो मैं भी बाहर चल जावा फिर मम्मी पापा इतने कले रह जाएंगे, वो भी गल नहीं बनती, तो वैसे भी मेरा अपना ही नहीं जी किया कभी बाहर जाने का, मैं सोचा कि अमृतसर या फिर यहोजी होर किसी छोटी थान तो स्टार्ट कराँगा, तो बाद चू ब्रांड बना के असी होर भी बहुत जगह पर लैके जावे। पर कहना चाहोगे कि साढ़े नौजवान पीढ़ी है काफ़ी जी दौड़ मची पई है, आईलैट्स करते हैं तो बाहरों दौड़ जाते हैं भी विदेशों जाना उ जाकर भावें दिहाड़ी करते हो, कहना चाहोगे उन्होंने? सर अपना अपना माइंडसेट होंदा है, कईयां लोगों का जी करता है कि बाहर जाके करन, वो भी मैं नहीं कहता कि माड़ा है, अपना अपना माइंडसेट है, जिन्होंने जो पसंद है वो कर सकता है, एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि सक्सेस मिलनी चाहिए, जेड़ा भी मर्जी काम करो थोड़ी मेहनत नाल करोगे तो सक्सेस मिलती है मिलती है। सर मैं दसो भी अमृतसर वासी कितना प्यार दे रहे हैं, कितने लोग आते हैं इतने तो बैठ के कितना लुत्फ ले रहे हैं? सर बहुत प्यार मिलता पे, अमृतसर छोटी सिटी है, काफ़ी लोग जानते हैं वो तो आते ही ने, नवे लोग भी आते पे ने, वॉक इन साढ़े वे पे ने, हूँ करफ्यू जो खत्म होएगा 9 to 11 से होर भी साड़ी कस्टमर होर वॉक इन आएंगे, थोड़े नए कस्टमर आएंगे, तो हूँ वधिया चलता पे, हूँ वेखो इवेंचुअली उत्ते जाता है कि थले जाता है असं वेखना बस। गल करिए जिमें कर्फ्यू लग रहा वा चल रहा वा, करोना महामारी चल रही है, करोना लैके खास करके की प्रबंध किया गया? सर मास्क लगाए हुए सारे स्टाफ ने, थले सैनिटाइजर रखे हुए, ग्लव्स ला के काम करीदा, यह सब जी छोटिया छोटिया चीज़ों का ख्याल रखे हुआ है, असी होर हूँ एक अद्धे दिन तक साढ़े को सैनिटाइजर दे पाउच आ जाएंगे, तो कस्टमर नू खाना देने तो पहला असी सारे नू एक एक सैनिटाइजर का पाउच जो छोटा आंदा है सर्व करा, ताकि अपने वालों असी सेफ्टी पूरी रखिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद जी, इसी गलबात की असी जो इस नौजवान वालों जो ट्रक तैयार किया गया फूड ट्रक का जो नाम रखा गया वा, तुम देख रहे हो ये जो फूड ट्रक 16 लाख रुपया ला के इस जो वीर ने तैयार किया वा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, इस वालों कहा जाता क्योंकि अक्सर देखते हैं कि साढ़े जो नौजवान ने ज़्यादातर कोर्स करके होटल मैनेजर होर जो कोर्स करके बाहर विदेशों में रुख कर रहे हैं, पर इस नौजवान का यह भी कहना कि जो 16 लाख रुपया ला के इतने जी कमाई की जाए, इतने जो कह सकते हैं
दवाई जी लोगों की इतने कनेडा जो बनाया जा सकता क्योंकि हर कोई जो विदेशा लोगों का साडे जे पंजाब का खास करके जो सा देश का जरा लोग नौजवान जी पीढ़ी वो बाहर लुक कर रही है इसके सानू भी चाहिए भी विदेशों को हट के जरा अपनी धरती से रह के जरा वा अजे काम करने चाहिए जे होर लोग प्रेरणा लैन तो आओ गलबात करते होर जे इतने कस्टमर आए हैं उन्होंने गलबात करते हैं कि इस जे फूड ट्रक से आकर कि नज़ारा लगता वा कि चंगा लगता वा आओ गलबात करते हैं जी। इसी गलबात की असी उस वीर का जिन्हें कि जरा वा चलता फिरता जो ट्रक बनाया वा जो रेस्टोरेंट बनाया वा जो फूड ट्रक भी कह सकते हैं तो हम गलबात करेंगे जो इतने खाने वास्ते जो आए हैं जो सा लोग उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी भीर जी की कहना चाहोगे इतने जरा चलते फिरते जो ट्रक आए रेस्टोरेंट किस तरह इतने खाण पीन मिलता समान तो कि वधिया मिलता खाण पीन का समान तो बहुत वधिया जी बड़ा स्वाद खाना पीना इन्हों का जिहड़ी चीज़ मंगाओ बड़ी स्वाद हैगी है। मैं अज इत्थे चौथी बारी आया पिछले 15 दिनों च तो बहुत वधिया हैगा जी है। होर इत्थे जे मैं कहां सब तो वधिया इन्हां दा मैनूं लगता बर्गर बहुत स्वाद बर्गर दिंदे ने तो बड़ा हटके बर्गर है इन्हां दा ए बर्गर दिंदे ने लाल रंग च ते ब्लू कलर च पीले रंग च बर्गर दिंदे ने तो बड़ा डिफरेंट लगता बड़ा हटके लगता बर्गर लगता भी अमृतसर विच होर भी इस तरह के जिहड़े बर्गर बनाए जांदे ने लाल जां नीली रंग दे कदे दिखदे कि जां इह बाहरी बंदे कदे मैं अज तो तीन चार साल पहले खादा सी जी वो मैं खादा ही दिल्ली दिल्ली है एक जॉनी रॉकेट्स करके ब्रांड हैगा सी उत्थे मैं पहली बार यह बर्गर खादा सी नीले रंग का बर्गर उन्होंने खवाया सी पहली बार तो बहुत वधिया सी वो भी तो यह भी बहुत वधिया है। मैंने इस तो भी जिवें लोग रेस्टोरेंट बह के खाना खाते अपने परिवार के नाल पर यह जो चलता फिर ट्रक बनाया जरा कि मोडीफाई करके जरा कह सकते भी ताज़ी हवा जी असं देख रहे हैं भी शहर का जरा पौश एरिया नहीं दैन वा लोग ताज़ी हवा इतने लेंदे कि महसूस करते कि वधिया लगता रेस्टोरेंट खाना वधिया लगता तो इतने जरा आके अपने हवा खा इतने वेखो जी शाम वेले आओ तो बहुत नज़ारा आंदा है ठंडी ठंडी हवा आ गई वजदी बड़ा वधिया लगता नाल इन्ना वधिया रणजीत एवेन्यू सोना रणजीत एवेन्यू हो गया इतने वड्डियां वड्डियां इमारतां बड़ा ही वधिया लगता इतने बह के आराम नाल खाण पीन यारा दोस्तां नाल आओ इतने आराम नाल बह के खाओ बड़ा नज़ारा आंदा जी। ठीक है जी कहना चाहोगे क्योंकि वीर ने इन्ने पैसे ला के जिहड़ा रेस्टोरेंट बनाया वा जिथे कोरोना महामारी चल रही है लोग रेस्टोरेंट जाने तो डरते हैं क्योंकि एसी हवा एसी मना किया डॉक्टर साहब ने भी एसी करके भी बड़ी प्रॉब्लम आदि कि लगता नहीं भी इतने ताज़ी हवा कि शरीर में जो बेनीफिट लगेगा ये दसो जी। असी COVID-19 की गल करिए करोना महामारी की गल करिए हिसाब न जी इतने मैं आके वेखिया पहले सब तो पहले इन्हों का ओपन हैगा रेस्टोरों इतने आके तुम वेखो है थले इन किचन जी हैगी है उत्थे भी सारा कुछ नज़र आता है ये कुछ हैगा नहीं कि बाहर कुछ बनाते होने लुका के कुछ बनाते हो सारा कुछ सामने करते पे ने साफ सुथरा काम करते पे ने जी तो इन्होंने बंद ने सारे ने मास्क पाए हुए हैं ग्लव्स पाए हुए हैं तो कैप्स पाई हुई हैं एक तरह ना जो बंदा खान आता है वेखद उन्होंने चंगा लगता कि ठीक जगह आए हैं वधिया था आए हैं। की कहना चाहोगे जिहड़े लोग अमृतसर कह सकते भी जिथे अमृतसर के लोग कपड़ा वधिया पाउन पसंद करते हैं उत्थे खाण पीन के लोग जो काफ़ी शौकीन है की कहना चाहोगे अमृतसर वास्ते कि वधिया जगह ट्रक वाला रेस्टोरेंट बड़ा डिफरेंट कंसैप्ट है तो बड़ा नवा कंसैप्ट है इतने एक बार तो बंदे नूं जरूर आना चाहिए। मैं तो पहली बार आया से उदा घूमता फिरदा आ गया वेख के बड़ा वधिया कोई हैगा मैं उत्ते आके वेखिया खादा तो बड़ा स्वाद लग्या हूँ मैं जिदा तुहानूं दस्सिया मैं चौथी बार आ गया 15 दिनों खाण नूं तो बहुत वधिया हैगा मेरे हिसाब नाल तो अपने शहर की जनता नूं आना चाहिए वेखना चाहिए नवा कंसैप्ट है इहनूं वेख के प्रमोट भी करना चाहिए प्रमोट करन नाल हो सकदा कि होर भी वधिया वधिया कंसैप्ट आने इहो जिहे की कहना चाहोगे कि अमृतसर जरा वा टूरिस्ट हब आ जरा बाहरों काफ़ी टूरिस्ट आ रहा वा तो हर कोई टूरिस्ट चाहता भी कोई नवी जी चंकी जगह पर जाके खाया पी जाए क्योंकि हर कोई होंगे भी अमृतसर जाके यादगारी जो पल होना लोगों की कहना चाहोगे जो टूरिस्ट बाहरों आते हैं जोड़े टूरिस्ट मेरे वीर बाहरों आते हैं उन्होंने एक बार तो इतने आना चाहिए वेखना चाहिए ये चीज़ा साढ़े देश तो बहर तो बहुत है पर साढ़े पंजाब तो यहोजा पहला कंसैप्ट है जिदा साड़ी बसा चलिया वेख्या होना होप ऑन होप ऑफ बसिस जी छत वाली बसा चलिया जी इतना घुमा पूरा गोल्डन टेंपल लैके जा 26 थां होर लैके जाए एक नवा यह भी चीज़ हैगी है जिदा उसनों बड़ा लोगों ने प्यार दिता बड़ा चंगा लगा लोगों उस तरह मैंने लगता है यह थां भी लोगों को बहुत वधिया लगेगी तो लोग बड़ा प्यार देंगे इन्हों भी इतने भी धन्यवाद जी। इसी गलबात की उस वीर का जरा कि चलते फिरते ट्रक में जरा जो वीर इतने आया वा और इसका कहना भी साढ़े अमृतसर वास्ते बहुत ही फखर की गल है क्योंकि इस वीर ने जरा वा टूरिस्ट हब जो अमृतसर खासकर जरा वा बाहरों सैलानी आते हैं एक बार जरा वा इस चलते फिरते ट्रक से आकर जरा आके जरा अपने मनपसंद जरा बर्गर जरा खाण क्योंकि असं देखते हैं भी बाहर जो विदेशों में अजे ट्रक होंगे ने पर इस वीर ने जरा अमृतसर में जी पहल की गई है इस तो पहला कह सकते हैं चंडीगढ़ में भी जरा वा एक चलता फिरता ट्रक जरा वा इस वीर वालों जो बनाया रेस्टोरेंट बनाया गया वा तो यह जरा अमृतसर खास जो खिच का केंद्र बनया हुए और सैलानी कह सकते जो बाहरों जो काफ़ी लोग आके पसंद करते हैं तो साड़ी भी दर्शकों को अपील है भी जोड़ा भी अमृतसर आता वा एक बार जरा वा इस फूड ट्रक से आकर जरा जरूर पहलकदमी करे और करोना महामारी करके जरा COVID-19 जरा खास ही जरा तैयार रखा गया वा तो चलते फिरते ट्रक के अभी कहते छत उपर अं है तस्वीर दिखावे पहले अमृतसर दियाँ
ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਹੋਟਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ? ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਜੋਬ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਫੂਡ ਟਰੱਕ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ? ਸਰ ਫੂਡ ਟਰੱਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3-4 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਰੂਫਟੋਪ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 3-4 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਰੂਫਟੋਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਬਰਗਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲਰ ਦੇ, ਕੀ ਨਾਲ ਆ? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਕਲਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ FSSAI ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਫੂਡ ਕਲਰ ਪੈਂਦਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲੇਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਰਣਜੀਤ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਫੂਡ ਟਰੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ MK ਹੋਟਲ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਢਾਬਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਏ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ, ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਫੂਡ ਗੈਜ਼ਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲਾਈ ਟਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਟੈਂਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ, ਗੇਨ ਕਰੋ, 3-4 ਸਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋਮੈਟੋ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋਮੈਟੋ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸੌਣਾ? ਸਰ ਜੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੋਮੈਟੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋਮੈਟੋ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ foodgasm_ASR ਹੈਗਾ ਹੈ ID, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ 2-9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ 2-11 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਧੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
साफ सुथरा जो लोगों को खाने वास्ते इतने मिलता वा। मैं दसना चाहूँगा ये ट्रक के उपर जरा वा नौ कैसे जो आके जो परिवार जो जी आके बैठ सकते हैं खा सकते हैं और हर तरह की जी वरायटी मिलती है तो साफ सुथरी जी वरायटी मिलती है। खास करके जोड़ा वा कोविड 19 लैके बहुत जरा ध्यान रखा गया वा हाथों के ग्लव्स पाए जाते हैं जो सैनिटाइज की जी खास करके जी वरतों की जाती है। साडा भी सजेशन है भी जेकर किसी ने इतने आके खाना हो फूड ट्रक जरा कि अमृतसर जो लगाया गया स्पैशल जरा वा तो लोगों वास्ते अमृतसर जो लोग ने क्योंकि काफ़ी जो अमृतसर के लोग ने जिते कपड़ा लीड़ा वधिया पाने के शौकीन है उत्थे खाण पीन के जो भी शौकीन होंगे ने मैनू दिओ इजाजत मैं हाँ तुहाडा अपना हरजीत गरेवाल पंजाबी लोचन।